पापा क्या जरूरत थी आपको मुझे वहां पे ले जाने की, मुझे तो वहां पे कोई पहचान भी नहीं रहा था। बेटे एक थप्पड़ मारूंगा ना, सारे दांत टूट के हाथ में आ जाएंगे। कौन नहीं पहचान रहा था तुझे वहां पे, सब लोग तो पहचान रहे थे तुझे। पापा मुझे वहां पे कोई नहीं पहचान रहा था, सब मेरे से ये पूछ रहे थे कि बेटे तुम लड़की की तरफ से आए हो या लड़के की तरफ से। पापा इसे पहचानना थोड़ी ना कहते हैं। बेटे दरअसल बात ये था कि तू पहली बार वहां पे गया था, इसीलिए तुझे कोई नहीं पहचान रहा था। जब तू 4 बार वहां पे चला जाएगा तब सब लोग तुझे पहचानने लगेंगे। पापा ये मेरा दूसरी बार ही था, एक बार और मैं गया था वहां शादी में, लेकिन तब भी मुझे वहां पे कोई नहीं पहचान रहा था। बेटे झूठ बोलते हुए थोड़ी तो शर्मानी चाहिए तुझे, जब तू पिछली बार वहां पे गया था तब वहां के लोगों ने तेरी कितने अच्छे से खातिरदारी की थी, और जब तू घर आ रहा था तब तेरे मौसा जी ने तुझे 500 रुपये भी दिए थे। बेटे अगर तेरे मौसा जी तेरी इज्जत नहीं करते और तुझे नहीं जानते तो फिर क्यों देते तुझे 500 रुपये? पापा मौसा जी ने मुझे 500 रुपये नहीं दिए थे, 1000 रुपये दिए थे, और मैंने उनके गाड़ी में 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। कहीं आपको ऐसा तो नहीं ना लग रहा था कि उन्होंने जो मुझे पैसे दिए थे वो खाने के लिए दिए थे? बेटे मुझे सच में यही लग रहा था कि जो तेरे मौसा जी ने तुझे पैसे दिए थे वो पैसे तुझे खाने के लिए ही दिए थे। अंकल जी आप इतनी अंदर की बात क्यों कर रहे हो? वो तो ये बोल रहा था कि मुझे वहां पे कोई नहीं पहचान रहा था, और आप है कि पैसों की बातों पे आ गए। बेटे अब तू ही बता, जब तू अपने दूर के रिश्तेदारी में जाएगा तब वहां के लोग तुझे कैसे पहचानेंगे? कुछ तो बताना पड़ेगा ना अपने बारे में वहां के लोगों को। और जमीन महाशय से पूछा गया कि बेटे आप कहाँ से आए हो, तभी कुछ नहीं बोल रहा है। कम से कम कुछ बताना तो चाहिए कि मैं यहाँ से आया हूँ, इनका लड़का हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था ये, एकदम चुपचाप खड़ा था। चलो ठीक है कि मैंने नहीं बताया कि मैं आपका लड़का हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ शादी में खाना खाने गया और वेटर से खाना मांगा तब वेटर ने मुझे ये कहा कि साले काम पे आते ही खाने पे टूट गया, कम से कम पहले लोगों को तो खिला दे खाना। अब आप ही बताइए मेरी क्या ही इज्जत रह गई वहां पे। लेकिन बेटे वेटर ने तुझे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पापा मैंने भी ब्लैक ड्रेस पहना था और वेटर ने भी ब्लैक ड्रेस पहना था, तो उसे लगा होगा कि मैं भी उसी के ग्रुप का हूँ, इसीलिए उसने मुझे ऐसा बोल दिया होगा। और आपको पता है जब मैं डीजे वाले भैया के पास गया और उनसे बोला कि भैया डीजे पे एक शानदार सा गाना बजा दो, मुझे डांस करना है, उन्होंने ऐसा गाना बजाया ना कि मुझे तुरंत रोना आ गया। बेटे ऐसा कौन सा गाना चला दिया डीजे वाले ने? मुझको तो तेरी बेवफाई मारे डालेगी। अब आप ही बताइए, ऐसे गानों पे रोना नहीं आएगा तो और क्या आएगा।